काय करा बाहेर आहो आओ परेम कलेंग आया बैठो परेम आओ बैठ हाँ परेम कलेंग आया आशा तो माँ जग मिलना का है ल परेम काल फिर शुक्रवार से काल अपनी मीटिंग से फिर काय करा सोमो का बारे में हमको कई बात करना चाहिए थोड़े से अब तुमको पैसा ना बारे में पूछना है कि महीना मार से बनिया नहीं तारीख बती अगला महीना में बने जाएगा पैसा क्यों नहीं बनी रहा है ना महीना में काय करो काके जी एना साल फसल ही नहीं पाके हाँ परे तुम्हारी फसल क्यों नहीं पाकी हमारी तो मजा ही पाकी काय करो काके जी कपास भी नहीं सिदोंगे उन मक्के लगे वो भी नहीं सिदोंगे इन कसो फसल कहीं नहीं पाके क्यों नहीं तुमरो बीजूंगी तुमने बीज का अमरी से तैयार नहीं करे एक बीज बीज अमरी से तैयार नहीं बीज करे तुमने बीज अमृत का है बीज अमृत के बारे में हमका मालूम है नहीं बीज अमृत एक तरह की दवाई छे अपना घर में बने सका अपन क्यों बीज अमृत तुम बनाने बताई सको कसा बनाओ आओ चलो हाँ तुमको बनाऊ बता ही दूंगा काके जी बीज अमृत बनाने के लिए काई काई चीज लगे 2.5 किलो गोबर लगा 2.5 लीटर गोमातीर लगा 1/2 किलो मट्टी लगेगा तो वन नीचे सी नहीं तो पिपला नीचे सी नहीं फिर आवड़ा की ले आओ 50 ग्राम चुनू 2 डंडा चाहिए 1 सूती कपड़ो चाहिए काकी जी सारी चीजें तो अपना घर ही मिली जाए तुम बड़े बता ही दोगे अभी हमको चलो अभी तुम कहा बड़े बता ही दूंगा ये आएगा अपना 10 लीटर पानी ये 2.5 किलो गोबर आएगा ये 2.5 लीटर गोमाती रहेगा ये 1/2 किलो मट्टी वड़कान पिपला की नई मट्टी मिले तो आवड़ा की ले लीजिए बनी जाएगा एक अलाव 50 ग्राम चूनो चाहिए ये सब सामान अपन तैयार छे चलो तुम कहा बताऊँ सबसे पहले अपन का गोबर लेनो ये 1 पोस 1 किलो ये 2 पोस 2 किलो ये 1/2 पोस 1/2 किलो है अब ये गोबर को पर अच्छी तरह से काली लेवा ना मस्की लिया बारीक हो जाएगी अभी गोबर को मस्की लियो अब एक ही पोटला बने लिया या अब अपने ना पोटला बांधी दी अरे ये पोटला बनी गई अब एक पानी में डुबा दिया जी जी काकी जी के बाद आप काय करना छे एक बाद मट्टी लेनो छे 1/2 किला घुमाइन डालनो छे ये 1/2 लीटर को डब्बो छे परेम तो 5 बार अपन नहागा तो 2.5 लीटर गोमातीर बन जाएगा 5 डब्बा एक काम अपन का मिलाऊ छे एक डब्बो डाल दियो ये दूसरा डब्बो 3 डब्बा हो गया चौथो डब्बो हो गयो ये 5वो डब्बो 2.5 लीटर गोमाती अपने ना मिले दियो काकी जी एक बार काई मिला उन पड़ा गया कम एक बार आदि 50 ग्राम चुनू डाल दिया सारी चीज निकाल लेवा पर मिले दिया हम गायरे निकाल दिया पटवाई को एक बाद अपन का 12 बार सीधो फिरावनो छे 12 बार उल्टो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बार सीधो घुमाई दियो परे मा भी अब उल्टो फेरनो छो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारह बारह उल्टो घुमाई दिए पर एक आवे अपन पचान हाँक दिया पर काकी जो बीज अमरी तैयार है अभी ये तैयार नहीं हुए पर 8 घंटा बाद पोटली बाहर निकाल लिया एक बारह बार उल्टो बार बार सीधो और पचा घुमाओ काकी जी एक बार आप काय करना छे 8-8 घंटा बाद 2 बार आरु घुमाउनो छे ओका बाद 12 बार उल्टो 12 बार सीधो घुमे दिया काकी जी अभी ये तैयार हो जाएगा 8-8 घंटा में 2 बार ऐसो कर लो 8 घंटा बाद 8 घंटा बाद 12 बार फिर आना 2 बार एक मतलब हो कि 24 घंटा में तैयार हो जाएगा एक बार अभी अपन घूमे दी पर एक बार हम घूमे जाऊंगा
फिर कल सुबह कल 9 बजे रात घूम दे हूँ, फिर तू कल आई जाजे, फिर दू जन साथ में घूम दे आऊंगा, तू आप लोग अभी तैयार हो जाएगी। जे हम आएगा कल शाम को परे मन एक बार 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 उल्टा और बार बार सीधा घुमा दे। काके जे अपन के तीसरी बार आवे तो घुमाणो छे। हां तीसरी बार एक और घुमाणो छे। चलो एक बाहर निकाल देवा। एक तीसरी बार आखिरी बार और घुमा देवा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अरे हम 12 बार सीधो घूमे दियो, आप 12 बार उल्टो घूमे दिया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। आप अरे माँ भी अपने बीज अमृत तैयार हुई गो। काकी जी बीज अमृत उपयोग में कसो लेनो छे? अरे मैं बीज अमृत अपन तैयार हुई गयो, ये बीज अमृत अभी बीज तैयार कई ना छाया में सुकानो छे, काम ढाके ने बीज मिलाउनो छे। एक अच्छी तरह से मिले लेवा, फिर एक छाव में सुखा लेवा। बीज अमृत बीज में रोल लियो, एक छाव में सुखा लिया। काकी जगह अपनो छावला की वजह घामला में नहीं सुखा सकता, घामला में जल्दी सुख जाएगा। जो बीज का हमेशा छाव में सुखानो, घामला में सुखाना से कोई लाभ नहीं होता। काकी जी बीज अमृत बीज का बीज अमृत से रोलना में काय काय फायदा? बीज अमृत लगाने से पूरा दाना उंगे आवे, अरे अच्छो बीज होएगा तो अच्छो पौधो निकलेगा, पौधो अच्छो रहेगा बीमारी कम लगेगा। बीज अमृत बनाने में काय काय की सावधानी रखना पड़े? अरे बीज अमृत प्लास्टिक की बाल्टी में हमेशा बनो, अच्छा जानवर को ताजो गोबर होना चाहिए। बीज अमृत का सब बीज ने सब पर लगे। राकेश जी इतनी अच्छी जानकारी देने का तुमको धन्यवाद। बीज अमृत बनावांगा न बीज का रोलांगा।